निधि 27 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें मेल किया। वो बताती हैं कि कुछ समय पहले उन्हें एक प्रकार का वजाइनल इन्फेक्शन हो गया था, यानी वजाइना में इन्फेक्शन हो गया। अब जिस वक्त उन्हें लक्षण दिखने शुरू हुए, उस वक्त उन्हें इस इन्फेक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें काफ़ी स्मेली डिस्चार्ज होता था। देखिए, थोड़ा बहुत वजाइनल डिस्चार्ज औरतों में नॉर्मल है, पर उनके केस में, यानी निधि के केस में, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। ये डिस्चार्ज भूरे रंग का था। इसके अलावा उन्हें खुजली और पेशाब में जलन भी रहती थी। अब ये काफ़ी समय तक चला। शर्म के कारण ना उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही इसके बारे में किसी से बात की। कुछ समय बाद उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया। अब ये दर्द बढ़ता रहा। पेन किलर खाने से कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाता था, पर उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता था। आखिरकार निधि ने डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला उन्हें बैक्टीरियल वजाइनोसिस नाम का एक इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी, अब वो ठीक हैं। निधि को उनकी डॉक्टर ने बताया कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस औरतों में होने वाला एक बहुत ही आम इन्फेक्शन है, पर ज़्यादातर औरतें शर्म और हिचक के कारण डॉक्टर को नहीं दिखाती जब तक लक्षण बहुत ज़्यादा बदतर नहीं हो जाते। इलाज की कमी के कारण उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। निधि चाहती हैं कि हम बैक्टीरियल वजाइनोसिस के बारे में अपने शो पर बात करें। ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका बचाव क्या है, इलाज क्या है, डॉक्टर से बात करके इसकी जानकारी औरतों को दें ताकि उन्हें मदद मिल सके। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस क्या होता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस सामान्य बीमारी है जो काफ़ी औरतों में पाई जाती है। ये किसी भी एज ग्रुप, किसी भी उम्र की औरत में हो सकता है, लेकिन साधारणतः जो हम देखते हैं वो प्रसव की उम्र की महिलाओं में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसका कारण क्या है? वजाइना में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना का पीएच यानी एसिडिटी को बरकरार रखते हैं, लेकिन बैक्टीरियल वजाइनोसिस जब होता है तब ये संतुलन जो है वजाइना का वो बिगड़ जाता है और अच्छे के बजाय कुछ खराब बैक्टीरिया हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लक्षण आपको नजर आएंगे। बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लक्षण होते हैं सफ़ेद पानी का गिरना या भूरे रंग के पानी का गिरना, मछली जैसी बदबू आना, वजाइना में खारिश होना, खुजली होना, यौन संबंध के बाद दर्द होना, आपको अच्छा नहीं लगेगा खुद को, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है आपको, और पेशाब में जलन होना। ये आम तौर पर लक्षण हम देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैक्टीरियल वजाइनोसिस होने के कारण एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए रखना, मेडिकेटेड सोप्स, बबल बाथ्स, वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करना वजाइना की सफाई करने में, धूम्रपान करना, ये सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि खराब बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है बैक्टीरियल वजाइनोसिस में, आपको यौन संबंधित संक्रमण जो होते हैं वो होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जैसे HIV है, हर्पीज है, दूसरे यौन संक्रमण हैं, ये ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियल वजाइनोसिस में पाए जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। प्रीटर्म लेबर यानी वक्त से पहले बच्चे का पैदा होना या बच्चे का वज़न कम होना डिलीवरी के टाइम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियल वजाइनोसिस में पाए जाते हैं। इसका इलाज ये है कि आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें, वो आपकी जांच करेंगी। सामान्यतः सिंपल एंटीबायोटिक से इसका इलाज हो सकता है। दूसरा, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक से ज़्यादा अगर आपके यौन पार्टनर्स हैं तो फिर कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। देखिए, बात जब भी औरतों की सेक्सुअल हेल्थ की आती है तो वो अक्सर चुप्पी साध लेती हैं, शर्म के कारण, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर ना वो डॉक्टर को दिखाती हैं, ना सही इलाज लेती हैं, उल्टा घर पर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करती हैं। अक्सर इसकी वजह से बीमारी दूर होना तो बहुत दूर की बात है, ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए ऐसा ना करें, लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं और सही समय पर सही इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हर दूसरा इंसान आजकल खट्टी डकार, एसिडिटी और सीने में जलन से परेशान है। इस परेशानी के बारे में हमने बात की डॉक्टर शंकर से।
वो बताते हैं कि एसिडिटी उन लक्षणों का समूह है जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से में असहजता होती है। हो सकता है पेट में जलन हो, पेट फूला हुआ महसूस हो, खट्टी डकारें आएं या फिर आपका जी मचले। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन या छाले हों तो आपको एसिडिटी का एहसास हो सकता है। हार्ट बर्न खाने की नली और पेट के बीच के वॉल्व ढीले होने से होता है। इसमें छाती के बीच जलन होती है या खट्टा पानी ऊपर आने का एहसास होता है, जिसे आप अंग्रेजी में एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। लंबे समय तक चले लॉकडाउन में बदली हुई जीवन शैली की वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले दोपहर में खाना खाने के बाद लोग फौरन लेटते नहीं थे, ऑफिस में होते थे, पर वर्क फ्रॉम होम अभी भी बहुत लोगों का चल रहा है और बहुत लंबे समय तक चला है। बहुत लोग इस दौरान खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते थे। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। स्ट्रेस की वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है और इन दिनों स्ट्रेस का तो क्या ही कहना। बिगड़ी हुई दिनचर्या, देर रात तक जागना, देर रात खाना खाना, कम सोना, ये भी कुछ वजह हैं। आपको पता है सोने जागने का समय बदलने से भी एसिडिटी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला खाना खाते हैं तो भी ऐसा होता है। और हाँ, ज़्यादा विटामिन सी खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है। अगर एसिडिटी और सीने में जलन से बचना है तो ज़्यादा मसाले और तेल वाली डाइट को अवॉइड करिए। कुछ बातों का ध्यान रखिए, हद से ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन मत करिए। लंच और डिनर स्किप मत करिए। खाना खाने और सोने के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। सोते समय सिर को 4 से 6 इंच शरीर से ऊपर रखकर सोइए। पेनकिलर और स्टेरॉइड से एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए इन्हें जितना हो सके अवॉइड करिए। एक्सरसाइज करिए, शराब और तंबाकू से बचिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक और सिलिकॉन के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलती हरगिज ना करें। आजकल ज्यादातर लोग नॉनस्टिक और सिलिकॉन कुकवेयर यानी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसका कहना है कि ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब इसके बारे में सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता से। उनका कहना है कि पहले इस्तेमाल होने वाले लोहे की कढ़ाई या वैसे बर्तन बेस्ट होते थे, क्योंकि इनमें खाना बनाने से हमारे शरीर में आयरन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचती थी। अब बाजार में कई प्रकार के टेफ्लॉन और सिलिकॉन के बर्तन आ रहे हैं। कुछ लोग पैसा बचाने के लिए अक्सर कम क्वालिटी के टेफ्लॉन का इस्तेमाल करने लगते हैं। देखा जाता है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स खाने में पहुंचने लगते हैं। इसलिए अगर आप इन कुकवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे फूड ग्रेड क्वालिटी के कुकवेयर्स ही यूज करें, ताकि खुरचन से निकले हुए हिस्से आपके पेट तक ना पहुंचें। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।